बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ एक मैं रिपोर्ट बोल रही हूँ, आप वजारत दाखलिया की तरफ से बाकायदा ये शेयर की जाती है, अजा वजारत की तरफ से भी आप बोल रहे हैं। यार मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, देखें इकामा एक्सपायर है तो आपने पाकिस्तान जाना है तो सफारा में चले जाएँ, आप जाकर अपना पेपर जमा करवा दें लीगल तरीके से। टाइम लग जाएगा आपको, 2-4 माह 6 माह आपका खरूज लग जाएगा, अपनी टिकट लीजिएगा, सफ़र कीजिएगा। उस सूरत में आपके ऊपर पाबंदी भी नहीं होगी, शर्त कि आपने जाने से पहले, यानी कि आप जब पाकिस्तान में आए हैं उससे जाने से पहले अपना मरहल पेपर, मुताल पेपर ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। यानी कि लीगल, एक बंदे को तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए हरूब है तो सफारा में चले जाएं, सफारा वाले भी अभी, पहले तो भाई 5-7 दिन 10-15 दिन में काम हो जाता था, अभी मैंने बंदे रब्ता करते रहते हैं मुझसे और बताते हैं जी अभी सफारा वाले उसके हरूब वालों को भी महीनों के हिसाब से टाइम बोल रहे हैं। तो अभी बात ये करने का सिर्फ मकसद ये है कि देखें बाहर धक्के खाने से बेस्ट ये है। हाँ इकामा एक्सपायर है तो यार नकल कफाला करवाना चाहते हैं, कफील खल्ली वल्ली, अपनी मर्जी से कोई कफील ढूंढे, नकल कफाला करवाएं, कफील आपका अमल दखल इन कुछ कर सकता है। हाँ हरूब है, आप नकल कफाला करवाना चाह रखे हैं, अपनी मर्जी से जिसके मर्जी नाम के ऊपर नकल कफाला करवाएं, खर्चा हो जाता है, आपको भी पता है नकल कफाले की इकामे की फीस है, एंड आगे वाले बंदे से जिसके नाम के ऊपर आपने नकल कफाला करवाना है उसने भी कोई अपनी मंथली वगैरह के हिसाब से आपसे बात करनी होती है। तो बहरहाल व्हाट्सअप नंबर भी इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आप इन मसाइल के ऊपर अगर कोई बातचीत करना चाह रहे हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब आप पहुँच जाएँ, ऐसे तमाम अफराद जो इकामा एक्सपायर था, हरूक था, या किसी भी सूरत में, या खरूज लगवा कर, या कोरोना पाबंदियों में रह गए, छुट्टी आए नहीं जा सके, वो दोबारा जाना चाह रहे हों तो वो भी अपना एक दफ़ा मरहल यानी कि मुताल पेपर ज़रूर चेक करवा लें। उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अगर आपने खुद निकलवाना हो खुद भी निकलवा लें सऊदी अरबिया से। मुख्तलिफ वीडियोज़ में उसका तरीकाकार मैं बता चुका हूँ, अगर आपने हमसे निकलवाना हो तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो खबर है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया इकामा एक्सपायर हरूब है या कंपनीज वगैरह सैलरी नहीं दे रखी हैं तो आप भाई बाहर चले जाएँ, बाहर किसी नाम के ऊपर नकल कफाला करवा लें, नए कफील के नाम के ऊपर बाहर काम करें, चार पैसे कमाएं, नकल कफाला करवा लें। हाँ अगर कंपनी के ऊपर आपकी वाकई सैलरी बागी है तो आप मकतब अमल में जाकर उनके ऊपर केस भी ठोक सकते हैं, केस आपका चलता रहेगा, केस भाई चलते हैं 1-2 साल 4-4 5-5 साल भी चल जाते हैं, कहीं तो फैसला होने को आए तो भाई 3 माह में भी हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है जो सीन वो आपको बता रहा हूँ मैं। अभी इस खबर के मुतालिक बात कर लेते हैं जी। इनमें सबसे पहले बात करूँगा मैं तरहील, यानी कि पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरब से कितने हज़ार गैर मुल्की डीपोर्ट किए गए, मुख्तलिफ मामलात को लेकर मैंने मामलात आपको बता दिए, हरूब मतलूब इकामा एक्सपायर बतून कफील जो भी पकड़े इनके हाथ लग जाएँ, तो उनकी तादाद है जी 10,800 बोल रहे हैं पिछले 6 से 7 दिनों में बंदे तरहील किए गए। अगर मुखालफा निज़ाम अल इकामा की बात करें पिछले यानी कि 6 से 7 दिनों में कितने बंदे इकामा एक्सपायर वाले गिरफ्तार किए गए, तो इनकी तादाद है जी 9,600 बोल रहे हैं आप, 9,600 अफराद हो गए जी। अगर वैसे बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद तो वो हैं जी 4561 अफराद, ये भी हालांकि ये 1,000-2,000 होते थे, अभी 4,000 प्लस में जा चुके हैं। अगर मुखालफा निज़ाम अल अमल की बात करें, मुखालफा निज़ाम अल अमल वो होता है भाई जैसे कि साय खास अमल मजहब वगैरह वाले या कोई भी और बंदा बदून कफील कहीं उनके हाथ लग जाए तो उनको उसको डीपोर्ट कर देते हैं, वो उनकी तादाद है 2,237 अफराद वो हैं। अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो बंदे गिरफ्तार किए गए हैं वो 16,407 अफराद, ये पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरबिया में गैर मुल्की 16,000 प्लस में गिरफ्तार किए गए, मुखालफा निज़ाम इकामा, निज़ाम अल अमल, निज़ाम अमन अल हदूद एंड 10,800 प्लस में बंदे सऊदी अरबिया से पिछले 6 से 7 दिनों में डीपोर्ट किए गए। डीपोर्ट हो जब को बंदा हो जाता है ना फिर उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, पाबंदी भी ऐसी कई बंदों के ऊपर लगती है जी हम मतार वाला पेपर निकलवाते रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है, तो वो उमरा पर भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ अगर आपने पाकिस्तान में ही जाना है तो सफारा का रुख कर लें, या इसके मतलब को और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, नंबर मैं वीडियो में आपको पहले दिखा चुका हूँ।